सब्सक्राइब करें इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। स्वामी खान बिग बॉस सीजन 12 की एक ऐसी कंटेस्टेंट है जिनमें शुरुआत से लेकर अब तक काफी बदलाव हुए हैं। वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में सामने आई हैं और अब काफी अच्छा खेल रही हैं। और बिग बॉस के घर में स्वामी खान इकलौती ऐसी कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने अगर इस घर में कोई रिश्ता बनाया है तो उसे बड़ी ही शिद्दत के साथ निभाती है। लेकिन स्वामी खान के रिश्तों को लेकर बाहर जैसी प्रतिक्रिया चल रही है उन्हें लेकर स्वामी खान काफी परेशान है, क्योंकि अभी फैमिली वीक चल रहा था और इस दौरान उनके घर वाले उनसे मिलने आए थे। और जब रोमिल की पत्नी आई थी उनसे मिलने के लिए उन्होंने कहा था कि आप रोमिल की बहन हैं और बार बार में इस बात को बोल रही थी। इस बात से स्वामी खान काफी हर्ट फील करती हैं और अकेले में बैठी इस बारे में विचार कर रही होती हैं और उनकी आंखों में इस दौरान आंसू होते हैं। और इस तरह इमोशनल स्वामी को जब सुरभि देखती हैं तो वो उनके पास आती हैं और उन्हें समझाती हैं कि स्वामी तुम टेंशन मत लो, तुम एक अच्छे इंसान हो, अगर तुमने घर में कोई रिश्ते बनाए हैं तो तुम उसे बड़ी ही दिल के साथ निभाती हो। बाहर चाहे लोगों का कुछ भी सोचना हो, हम लोगों की सोच बदल नहीं सकते हैं। लोगों का तो यही है कि उन्हें किसी भी रिश्ते का नाम देना होता है, क्योंकि लोगों का ये मानना होता है कि एक लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते हैं। लेकिन लोग चाहे कुछ भी सोचे, हमें हमारे रिश्ते निभाने हैं। हम यहाँ पर रहते हैं, हमें पता है कि तुम कैसी हो, तुम बहुत ही अच्छी इंसान हो। स्वामी बताती है कि किस तरीके से रोमिल की वाइफ ने बार बार भी कहा कि बहन है ना आपकी। मैंने भी कहा पलके झुकाकर कि हाँ बहन हूँ, और रोमिल ने भी कहा हाँ छोटी बहन है, ये गलत है। इस पर सुरभि कहती है कि अगर किसी भी दोस्ती को जस्टिफाई करने के लिए ये कहना पड़े कि भाई बहन है तो फिर ठीक है। स्वामी खान कहती है कि अगर भाई बहन कहने से ही किसी का रिश्ता पाक होता है तो फिर यही ठीक है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।